हेलो मित्रों, देश में कोरोना वायरस का संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जैसी खतरनाक बीमारियों के मामले जो है वो चर्चा में आ रहे हैं। और ख़तरनाक से मेरा मतलब वास्तव में खतरनाक बीमारियां है ये। यदि आप कोविड-19 से संक्रमित होते हैं तो लगभग 90% चांस है कि आपकी जान जो है वो बच जाए, लेकिन अगर आप म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों से संक्रमित होते हैं तो बचने की संभावना यहाँ पे 50-60% तक रह जाती है। मतलब इसका मृत्यु दर जो है वो 50-60% है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह ब्लैक फंगस रोग क्या है, कैसे शुरू होता है और ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, ब्लैक फंगस के खतरे में कौन से मरीज आते हैं। इसके अलावा मैं आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचाव के कुछ उपायों के बारे में भी ये वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लैक फंगस क्या है। क्या कोविड-19 के बाद यह कोई नई बीमारी है? दोस्तों, ब्लैक फंगस यह कोई नई बीमारी नहीं है। ये फंगल संक्रमण पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। ब्लैक फंगस रोग का औपचारिक नाम जो है वो है म्यूकोरमाइकोसिस। यह म्यूकोरमाइकोसिस फंगी परिवार का एक संक्रमण है, मतलब कि एक फंगस है। ये हर जगह पे जो है वो पाई जाती है, विशेष रूप से मिट्टी, भीगे हुए कमरों में, गीली सरफेस के ऊपर सड़ने वाले पदार्थ जैसे खाद, गीली लकड़ी में, सड़ते हुए फलों में, सब्जियों में, यहाँ तक आप जो है ये फंगस को देख सकते हैं। पहले से ही ये फंगस यहाँ पे मौजूद है। यह फंगस आमतौर पर जो है हर ऐसी गीली चीज़ जो है या सड़ने वाली चीज है वहां पर आपको दिख जाएगा। दोस्तों, यह रोग एक अवसरवादी इन्फेक्शन की श्रेणी में आता है। दोस्तों, यह संक्रमण सामान्य परिस्थितियों में परेशानी का कारण नहीं बनता है, लेकिन जब भी इन वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को मौका मिल जाता है तो वह हमला कर देते हैं और लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, उन्हें यह अवसर कब मिलता है? जब व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। यह म्यूकोरमाइकोसिस फंगस जो है वो आमतौर पर, जैसे मैंने बताया, हर जगह वातावरण में पाया जाता है। अगर आप एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति है तो आपके शरीर के अंदर अगर ये चला भी जाए तो खास समस्या नहीं होती, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको मार डालती है। लेकिन अगर व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को ये फंगस जो है इन्फेक्ट कर देती है। रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति की संक्रमित हो जाने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। मतलब उसको ज़्यादा जो बोल सकते हैं इन्फेक्शन जो है वो जल्दी लग जाता है। दोस्तों, म्यूकोरमाइकोसिस उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है, जैसे वृद्ध लोग है, डायबिटिक के पेशेंट है या कैंसर के जो रोगी है उसके अंदर ये जो संक्रमण है जल्दी से फैलता है। इसके साथ ही अगर ह्यूमिड ऑक्सीजन है वो अगर आप बार बार ले रहे हैं तो भी आपको ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो बढ़ता जाता है। और वर्तमान परिस्थिति में पोस्ट कोविड रोगियों में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस आम है, क्योंकि कोविड उपचार में ज़्यादातर स्टीरोइड या इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग्स और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और ये उपचार का एक हिस्सा है। इसीलिए इस वजह से कोविड के बाद क्या होता है कि ये रोगी है, जो कोविड के रोगी है उसकी पेशेंट्स के अंदर ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, उसका खतरा बढ़ जाता है, वो जल्दी से इन्फेक्ट हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर फंगस जो है शरीर के अंदर घुस जाता है और उस रोगी को संक्रमित कर देता है। और आपके शरीर के अंदर जाने के कई तरीके हैं, चलिए समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, अगर आपका वातावरण स्वच्छ है तो आमतौर पर ऐसी बीमारियाँ जो है वो नहीं आती है, आपको इन्फेक्ट नहीं करती है। बट वातावरण स्वच्छ होना चाहिए और लोग स्टीरोइड का प्रयोग नहीं करने चाहिए और अन्य दवाएं जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है कमजोर होती है, जब उनका उपयोग किसी उपचार के भाग से आप अपने बॉडी में कर रहे हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है उसका खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दवाइयां है वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देती है। मान लीजिए कि कोई एक युवा स्वस्थ व्यक्ति है जिससे कोई भी मेडिकल समस्या नहीं है, नहीं उसे डायबिटीज है और नहीं कुछ और, क्या यह संभावना हो सकती है कि ऐसे आदमी को इन्फेक्शन हो और म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे आदमी को बहुत ही रेयर केस में म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो असर करता है। अब दूसरी बात करते हैं, फंगस आपको इन्फेक्ट कैसे करता है और किस तरह से वो आपके शरीर में जाता है। पहली चीज़ है हवा के माध्यम से। जब आप सांस लेते हैं तो हवा में इस फंगस के कई बीजाणु होते हैं जो आपके फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और आपको संक्रमित कर देते हैं। दूसरा, भोजन के माध्यम से। अगर खाना खराब हो गया है या उस पर सड़ने वाला फंगस जो है वो लगा हुआ दिख रहा है, यह आपके पेट तक पहुँच सकता है और आपको संक्रमित कर सकता है। एक और तरीका, जैसे घाव है, घाव के माध्यम से भी वो बीजाणु आपके घाव को दूषित कर देंगे और उससे माध्यम से ही वो आपके शरीर में घुस जाएंगे। नाक और साइनस का जो क्षेत्र है सबसे आम क्षेत्र है जहां म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण होता है, सबसे पहले यहां पे होता है। और जब यहां रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है तो त्वचा का रंग भी यहां पे फीका पड़ने लगता है, अक्सर काले रंग का हो जाता है। इसीलिए जो ब्लैक फंगस का नाम जो आया है वो इसीलिए आया है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो फंगस है वास्तव में काले रंग का होता है। इसके बजाय ये लक्षण
लक्षण है कि यह क्षेत्र जो काला दिखने लगता है, यही कारण है कि इस जो फंगस है उसको ब्लैक फंगस का नाम दिया जाता है। यहां से यह संक्रमण आपके आंखों और दिमाग में फैल सकता है। इससे अंधापन, सिरदर्द और दौरे जैसी बीमारियां भी हो सकती है। इससे आपकी आंखों की रोशनी जो है वो भी जा सकती है। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस फैलने में कितना समय लगता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है, इन्फेक्शन का समय एक सप्ताह से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। वो व्यक्ति को पता चल जाता है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है या यहाँ पे कुछ काला काला हो गया है, मेरा नाक बंद हो गया है। तो इस तरह के जो आपको सिम्टम्स मिलते हैं विद इन अ वीक टाइम जो है आप जब भी इन्फेक्ट होते हैं तो आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या क्या है। यदि दोस्तों हम इन्फेक्शन साइनस के क्षेत्र में बात करते हैं तो आपको दांत दर्द, धुंधली दृष्टि, सिरदर्द, नाक बंद हो सकता है, यहाँ काले घाव हो सकते हैं और आपको बुखार भी हो सकता है। अगर यह संक्रमण आपके फेफड़ों से फैल रहा है तो आपको बुखार, खांसी, सीने में दर्द, खून या उल्टी या सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यदि आपकी त्वचा इन्फेक्टेड है, यदि कोई घाव संक्रमित हुआ है तो घाव के आसपास के क्षेत्र जो है वो काला होने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर ये आपके पेट से शुरू हुआ है, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है, तो आपके पेट में दर्द, मतली या उल्टी जो है उस जैसे लक्षण आपको दिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोग सांस लेने से संक्रमित होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, उनका निदान करने के लिए बायोप्सी की आवश्यकता होती है। और अगर फेफड़ों में संक्रमण है तो एक्सरे और सीटी स्कैन आपको ज़रूर करवाना पड़ेगा। इसकी चपेट में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह बेहद खतरनाक बीमारी है। मृत्यु दर बहुत अधिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मृत्यु दर 50% से लेकर 60% है। लेकिन अगर यह बहुत गंभीर हो जाती है तो मृत्यु दर 90% तक भी पहुँच सकता है। जिन लोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी होती है उन्हें यह रोग शायद ही कभी होता है। और अगर आप एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलाज के तौर पर मरीजों को एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देश में एंटी फंगल दवाइयों की भी कमी है क्योंकि यह बीमारी इतनी तेजी से पूरे देश में फैल रही है। राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर दिया जा चुका है और केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी आया है। साथ ही सभी राज्यों को इस बीमारी को लेकर अलर्ट भी किया गया है। दोस्तों उपचार का दूसरा तरीका सर्जरी के माध्यम से है। संक्रमित पार्ट को शरीर से हटा दिया जाता है। अक्सर कई रोगियों में इसका मतलब था कि उनका पूरा जो जबड़ा है वो निकालना पड़ता है या आंखें निकालनी पड़ती है, क्योंकि संक्रमित था। अगर वो संक्रमण जो है आगे फैलता है तो आपकी आंखें जा सकती है, आपको ब्रेन के अंदर में ये बीमारी फैल सकती है। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को स्टीरॉयड लेने की ज़रूरत है उन्हें ही दिया जाए। ज़्यादा स्टीरॉयड लेने से भी ये बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आपको स्टीरॉयड लेने की ज़रूरत है तो उनसे पूछें कि क्यों मुझे स्टीरॉयड लेने की ज़रूरत है। थोड़ा उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करिए। बेवजह स्टीरॉयड का ज़्यादा डोज कभी मत लीजिए। जनरली अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 90 से कम हो जाए तो ही स्टीरॉयड दिया जाना चाहिए। 90% से नीचे जाने के बाद ही हम इसे मध्यम या गंभीर रोग मान सकते हैं और इसके बाद ही स्टीरॉयड का इलाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग 90% से ऊपर होने पर भी ये जो स्टीरॉयड है उसको लगभग यूज कर रहे हैं। स्टीरॉयड के अति प्रयोग और डायबिटीज़ के अलावा दोस्तों जो नई जानकारी आ रही है यह वह है कि एंटीबायोटिक्स का अधिक उपयोग और भाप लेने से भी यह फंगस जो है वो हो सकती है, इसका संभावना जो है वो बढ़ सकती है। दोस्तों इंडिया का एक रिपोर्ट के आधार पर 210 रोगियों का विश्लेषण किया गया। उन्होंने पाया कि उन सभी रोगियों में एंटीबायोटिक दवा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की थी और केवल 14% रोगियों ने स्टीरॉयड का उपयोग नहीं किया था और 21% रोगियों को डायबिटीज़ नहीं थी। यह साबित करता है कि स्टीरॉयड और डायबिटीज़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे संभावित कारण है जिससे ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टरों ने ये संक्रमण होने के 3 मेजर रीज़न यहाँ पे जो है बताए हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग, क्योंकि एंटीबायोटिक स्पष्ट रूप से फंगल संक्रमण के खतरे को बढ़ा देता है। दूसरा है जिंक सप्लीमेंट लेना। जिंक युक्त वातावरण में फंगस जो है आसानी से विकसित हो जाता है। और तीसरा, अत्यधिक भाप लेना। दरअसल दोस्तों अगर आप भाप अंदर लेते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले यह शरीर में नमी जो है उसको बढ़ा देती है और फंगस के बढ़ने के लिए नमी जो है वो एक अच्छा वातावरण प्रदान करती है। और दूसरा, भाप इतनी गर्म होती है कि जब आप उसे अंदर लेते हैं तो शरीर के अंदर जलन पैदा हो सकती है। अब दोस्तों ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस की खबरें आ रही है और व्हाइट फंगस के बाद दूसरे दिन येलो फंगस पर समाचार रिपोर्ट आ गई। उनके बारे में क्या,
क्या सफेद फंगस और येलो फंगस नई बीमारियां पैदा कर रहे हैं? दोस्तों, ये रोग अलग अलग प्रकार के नहीं होते हैं और नहीं अलग अलग कारणों से होते हैं। ये सभी एक फंगस है, एक फंगस के कारण है और इन संक्रमणों के कारण बहुत सामान्य है आपकी कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम। ऐसा भी नहीं है कि फंगस विभिन्न रंग के होते हैं, लक्षणों के आधार पर ही इनका जो नामकरण है वो किया गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्लैक फंगस के लक्षण के रूप में यह क्षेत्र रोगियों में काला जो है वो हिस्सा हो जाता है, इसके कारण इसे जो है ब्लैक फंगस कहा जाता है। दोस्तों, जिन मरीजों को सफ़ेद फंगस का संक्रमण होता है उन्हें उनकी जीभ जो है अक्सर सफ़ेद हो जाती है या उनके मुँह में भोजन नली में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। दोस्तों, एस्परगिलस को सफ़ेद फंगस के रूप में जाना जाता है और आपने एस्परगिलस को ब्रेड पर मोल्ड के रूप में आपने देखा होगा। आपने ब्रेड पर जो फंगस उगते देखा है वो एस्परगिलस है। स्वस्थ लोगों में मृत्यु दर बहुत कम है क्योंकि यदि आप सभी एस्परगिलस संक्रमणों पर एक बार विचार करें तो अधिकांश लोग जो है वो ठीक भी हो जाते हैं, बिना इलाज के वो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें संक्रमण हो जाता है तो मृत्यु दर लगभग 20% से 40% होता है और यह कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ही ज़्यादातर पाया जाता है। सफ़ेद फंगस के मामले में भी जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद ये संक्रमण होता है। केवल संक्रमित होने वाले जो क्षेत्र है वही अलग है और लक्षण थोड़े से अलग अलग है और मृत्यु दर भी थोड़ा सा अलग है। और अंत में दोस्तों, यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार फंगल संक्रमण जो है वो संक्रामक नहीं है। तो COVID-19 की तरह जहाँ आप किसी COVID-19 रोगी के संपर्क में आते हैं तो आपको संक्रमित होने की संभावना जो बढ़ जाती है, लेकिन इन फंगल संक्रमणों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे रोगियों के संपर्क में आते भी हैं तो आपको संक्रमण होना 100% नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं फंगस इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। दोस्तों, बिना डॉक्टरों की सलाह के स्टीरॉयड का प्रयोग ना करें। डायबिटीज़ के रोगियों में ब्लड शुगर जो है उसके स्तर को नियंत्रित करना चाहिए, खासकर जब रोगी स्टीरॉयड पर हो। और उसके लिए ऐसे रोगियों को अपने इलाज करने वाले डॉक्टरों के साथ लगातार आपको संपर्क में रहना चाहिए। और यदि रोगी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है तो ह्यूमिडिफायर में साफ पानी होना चाहिए, रोगी को ठीक से सफाई की जानी चाहिए और रोगी को मिट्टी, धूल, गीली और नम कमरों से बचा के रखना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में ऐसे ही नए वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।